हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने वर्डपैड में दिए गए फॉन्ट ऑप्शन में दिए गए ऑप्शंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ वर्ड टाइप कर रखा है और इन्हीं वर्ड पर हम उन सभी ऑप्शंस का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है फ्रेंड्स फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हमें अपने फॉन्ट के स्टाइलिश देना हो, यानी हमारा जो फॉन्ट है अगर उसमें हमको स्टाइलिश देना हो, तो हम फॉन्ट फैमिली में जाकर अपने फॉन्ट में कोई भी स्टाइलिश हम या अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर अब हमें हमारा दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट साइज। अगर फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि अपने फॉन्ट में अगर इसकी साइज को चेंज करना हो, तो हम फॉन्ट साइज में जाकर इसकी साइज को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जितना भी हमको साइज चाहिए अपने फॉन्ट की, यहाँ से हम फॉन्ट की साइज दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रो एंड श्रिंक। अब ग्रो एंड श्रिंक से भी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज था, इसके द्वारा हमारा जो फॉन्ट था उसके साइज में चेंजेस हो रहा था, सेम वर्क फ्रेंड्स हमारा ग्रो एंड श्रिंक्स भी होता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रो करने के बाद हमारा जो फॉन्ट है उसकी साइज चेंजेस यानी कि अधिक हो रही है, और श्रिंक करने पर हमारे जो भी फॉन्ट है उसकी साइज में कमी आ रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। अगर फ्रेंड्स अगर हमें अपने फॉन्ट में या अपने फॉन्ट को थोड़ा सा मोटा या बोल्ड देना हो, तो हम बोल्ड वाले ऑप्शन पर जाकर बोल्ड दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। अब हमें इटैलिक ऑप्शन पर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा यहाँ पर वर्ड टाइप है और इस पर हम क्या करते हैं, अगर इस वर्ड को हमको थोड़ा तिरछा रखना हो, तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक वाले ऑप्शन पर जाने के बाद क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा वो थोड़ा सा तिरछे में हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। अगर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अपने टेक्स्ट पर कोई अंडरलाइन देना हो, तो हम अंडरलाइन वाला ऑप्शन पर जाकर अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि जिस भी वर्ड को हमने सेलेक्ट किया था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिक थर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्टिक थर्ड। अब स्टिक थर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई वर्ड रॉन्ग हो जाती है और उसमें हमको उसके बीच से कोई लाइनिंग देना हो या उसको कट करना हो, तो हम स्टिक थर्ड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि हमारे वर्ड के बीच में एक लाइनिंग खींची गई है। सो फ्रेंड्स, इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो भी वर्ड है वो रॉन्ग है। वैसे तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर रॉन्ग दे दिया है। तो इस तरह से अगर हमको अपने वर्ड को रॉन्ग ठहराना हो या बीच में लाइनिंग देनी हो, तो हम स्टिक थर्ड का प्रयोग कर दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा क्या है सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या करता है फ्रेंड्स कि अगर हमारा कोई वर्ड है और उस वर्ड को क्या करना है कि किसी वर्ड के नीचे रखना हो, छोटे वर्ड में हमको उसको रखना हो और किसी वर्ड के नीचे रखना हो, तो हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हमको क्या करना है, इस वर्ड को अपने इस वर्ड यानी कि आयन के नीचे रखना हो और छोटे में रखना हो, तो हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर रख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि हमारे इन वर्ड के नीचे हमारा रियल है, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वर्ड छोटा हो गया है और इस वर्ड के नीचे हो गया है। उसी का फ्रेंड्स विपरीत है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है फ्रेंड्स, किसी वर्ड के ऊपर से रखना हो यानी अपने वर्ड को छोटे में उस वर्ड के ऊपर रखना हो, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाईलाइट कलर। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि हमारा जो टेक्स्ट है अगर उसको हाईलाइट करना हो, जैसे मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है और इसको हमको क्या करना है हाईलाइट में रखना हो, तो हम यहाँ से हाईलाइट कलर लेकर अपने उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा टेक्स्ट कलर। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है कि अगर अपने
अपने टेक्स्ट को कलर देना हो या उसमें कलर चेंजेस करना हो तो हम टेक्स्ट वाले कलर अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर देना हो हम कलर दे लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि हमने अपने टेक्स्ट पर कलर दे दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फ्रेंड्स थैंक्स।